पर्यावरण बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट फिर से किया बहाल, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ हिस्सों पर लगाई थी रोक। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, केंद्र ने 5 राज्यों को पत्र लिख दिया अलर्ट, दिल्ली में फिर 632 नए मामले आए सामने। खरगोन जिले में आज शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट, बैंक और पोस्ट ऑफिस रहेंगे खुले, जिला कलेक्टर SS मुजालदा ने जारी किए आदेश। ओमकारेश्वर के कोठी में बड़ा हादसा, 4 बच्चियों की नहर में डूबने से मौत, 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने निकाले शव। और भिंड में खाद्य विभाग की दूध डेयरी पर छापामार कार्रवाई, डेयरी संचालक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज, 300 लीटर दूध भी किया जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के कुछ हिस्सों को फिर से बहाल कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस कानून के बाद अब फेडरल एजेंसियों को हाईवे, पाइपलाइन और माइनिंग जैसी योजनाओं को मंजूरी देने से पहले लोकल कम्युनिटीज को जानकारी देना जरूरी होगा। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कानून के कुछ हिस्सों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए केंद्र ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को अलर्ट किया है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि बढ़ते पॉजिटिविटी रेट पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा गया है। पत्र में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय और निगरानी करने को कहा गया। बता दें कि वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 632 नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में स्कूलों को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ प्रदेश स्तर पर चिटफंड में फंसे रुपयों की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में 22 अप्रैल अभिकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा चिटफंड अभिकर्ता शामिल हुए। अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि निवेशकों का पैसा वापसी करने को लेकर चर्चा की गई। ये भी तय किया गया कि प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिससे चिटफंड में फंसे पैसे की वापसी जल्द हो सकेगी। से करीब 50 से 60 अभिकर्ता आए थे, उनमें से मेरे हिसाब से करीब 15 से 20 कंपनी के लोग आए हुए थे और इनकी मुख्य मांगों को हमने नोट कर लिया है और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष इन मांगों को रखा जाएगा। उनका मुख्य मांग तो यही है कि निवेशकों का पैसा जल्दी से उनको वापस किया जाए। जो पीड़ित हैं निवेशक, उनकी पैसा वापसी के लिए जो पूर्व अभी वर्तमान जो सरकार हैं वो उन्होंने अंबिकापुर मुख्यालय का संघ के मंच में आकर के उन्होंने वादा किया था कि भाई हमारी सरकार बनने पर हम जो है प्रत्येक निवेशक की पैसा वापसी कराएंगे, लेकिन अभी तक जो है 3 साल बीत जाने के पश्चात भी मतलब किसी भी एक निवेशक का हमारे सरगुजा संभाग का पैसा वापसी नहीं हो पाया है। और हमारे साथ जुड़ चुके संवाददाता श्रवण महंत अंबिकापुर से, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। श्रवण, जिस तरह से चिटफंड के खिलाफ अभिकर्ता के प्रदर्शन की बात की जा रही है, हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सुनी, क्या है तमाम मामला और किस तरह से क्या ज्ञापन में खास बिंदु नोट किए गए हैं? देखिए, जो चिटफंड के अभिकर्ता हैं वो 22 तारीख को सरगुजा संभाग में प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि ये जो चिटफंड का मामला है वो काफी वर्षों का मामला है। यहाँ पे तमाम जो कंपनी थी वो चिटफंड के आधार पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में
जो पैसा को जमा करवा करके उसका पैसा जो है वो वापस नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है बंद हो गई। और ये कंपनी जो है वो 2 दर्जन से भी अधिक ऐसी कंपनी है जिनको बंद कर दिया गया, उनके पैसे डूबे हुए हैं। और जो जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जिनका पैसा जमा हुआ है ऐसी कंपनियों में, और वो जो अभिकर्ता है जो लोग के माध्यम से उस कंपनी में जमा हुआ है, वो लगातार जो है प्रशासन को पैसा वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से 22 तारीख को प्रदर्शन करना था इनको जिला स्तर पर, समाज स्तर पर, तो ऐसे जब जानकारी प्रशासन को लगी तो उन्होंने कल शाम 5 बजे आनन फानन में जो अभिकर्ता हैं उनको मीटिंग बुलाया गया। और इस मीटिंग में ये कहा गया था कि जितने भी जो कंपनी है अलग अलग के कम से कम 2-2 व्यक्ति इस मीटिंग में बैठे, वहाँ प्रशासन से बात की गई कि किस तरह से हम पैसे वापस लोगों को दिला सकें। क्योंकि एक वहाँ पे एक बड़ा मामला सामने ये भी आया है कि सरगुजा संभाग के जो फंसे पैसे हैं, वो जो कंपनी में फंसे पैसे हैं उसकी प्रॉपर्टी जो है सरगुजा संभाग में नहीं है, वो रायपुर में है, राजनांदगांव में है और मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में है। क्योंकि ये एक गंभीर विषय ये भी सामने आया है कि जब यहाँ का संपत्ति किसी कंपनी का नहीं है तो लोगों का पैसा आखिर में कैसे वापस किया जाए। और बड़ी बात ये भी है, जब अभिकर्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ सरकार जब ये लोग हड़ताल कर रहे थे पैसा वापसी के, तो आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी इनके जो प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए थे। और ये कहा गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तमाम जो लोगों के चिट फंड में पैसे फंसे लोगों का पैसा जो है हम वापस करेंगे। और घोषणा पत्र में भी इस चीजों का शामिल किया गया था, चिट फंड कंपनी को पैसा वापस लेकर। क्योंकि आज जो है 3 साल हो चुके हैं सरकार बने कांग्रेस के, लेकिन अभी तक इस तरह से जो तमाम कंपनी है जो डूबे हैं जिनके पैसे, उनका पैसा जब वापस नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है प्रदेश स्तर लेवल पर जो अभिकर्ता संघ के माध्यम से जो है पूरे प्रदेश लेवल पर जिला स्तर संभाग स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हैं और कर रहे हैं। और चूंकि 22 तारीख को यहाँ पे होगा जिसका जो है तमाम जो दस्तावेज है वो जमा कर लिए हैं, और यही वजह है कि आज जो है नहीं मिल रहा है पैसा, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट में करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा की 22 तारीख आपने बताया की प्रदर्शन करने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, तो क्या इस संबंध में किसी अधिकारी ने या खुद सरकार ने, प्रदेश सरकार की अगर बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से चल रहा है, लंबित है ये लंबे समय से, इनकी समस्याएं जो लगातार बनी हुई हैं, तो क्या ये जानकर कि 22 तारीख को प्रदर्शन हो सकता है और शायद इस बार उग्र प्रदर्शन हो, क्योंकि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो क्या किसी ने संज्ञान लेने की कोशिश की हो, किसी ने इनसे चर्चा करने की कोशिश की हो 22 तारीख के उस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की हो? देखिए, ये जो मामला है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है, और इस चीज को वर्तमान के जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उसको भी इस बारे में नॉलेज है, और तमाम जो नेता हैं उनको भी इस चीज को मालूम है, क्योंकि इन्होंने इन जो ग्रामीण क्षेत्रों में फंसे पैसे और जो अभिकर्ता हैं उनको ये भरोसा दिलाया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और अभी तक पैसा नहीं वापस किया गया है, और लगातार इन अभिकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, केस किया जा रहा है, पैसा वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कैसे इन सालों में जब से कंपनी बंद हुई है तब से कई अभिकर्ता ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लिए हैं, और इन सारे चीजों को लेकर के जो अभिकर्ता संघ के बैनर तले जो है लगातार शासन को ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो है पैसा वापस नहीं हुआ है। और इसी चीज को लेकर के 22 तारीख को ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपेंगे, और उस ज्ञापन में ये कहा जाएगा कि जल्द से जल्द लोगों का जो चिट फंड में फंसे पैसे है उसको वापस किया जाए, और जो अभिकर्ता है जिनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे चिटफंड अभिकर्ताओं को पर केस न डाला जाए। क्योंकि ये जो कंपनी है इनका जो सिस्टम था वो इस तरह का था कि ये अभिकर्ता के माध्यम से लोगों का पैसा जमा करवाते थे, उसके बदले में उनको कमीशन दिया जाता था, क्योंकि ये कमीशन का खेल था। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो कंपनियां ये है वो इन्वेस्टमेंट ये बताती थी कि जमीन पे लगाएंगे, लेकिन वो अन्य
किसी और धंधा में लगाते थे, क्योंकि इसका जब जानकारी सरकार को हुआ तो ये अवैध पाए गए और इनका जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, इनको बंद कर दिया गया। क्योंकि ये छोटा मोटा रकम नहीं है, ये करोड़ों अरबों में जो है छत्तीसगढ़ का जो पैसा है वो इस चिट फंड कंपनी में डूबा हुआ है, जिसकी लगातार जो है जो अभी करता है और ग्रामीण जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको सरकार किसी भी तरह पैसा वापस किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महंतम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। भिंड के अकोडर पथवरिया में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने नीलकमल दूध डेयरी पर छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि डीएसपी पूनम थापा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविनीश गुप्ता ने डेयरी पर छापे के दौरान लगभग 3,200 लीटर मिश्रित दूध और डेयरी में दो ड्रमों में लगभग 300 लीटर दूध जब्त किया और पाउडर, घी और दूध बनाने का तैयार घोल के नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि डेयरी का कारोबार संचालक के भाई नीलकमल शर्मा द्वारा किया जा रहा है और आरोपी हरी कमल शर्मा, नीलकमल शर्मा और कलमेश शर्मा के खिलाफ धारा 420, 272, 273 और धारा 74 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवीन भवन का लोकार्पण और नामकरण समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तीर्थ यात्रा के तहत 7,40,000 बुजुर्गों को यात्रा कराएगी। राम भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजरे मेरे भाई जन जीवन दो दिन का। शिव जी का भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई, ये जीवन दो दिन का। जपन सुखदाई भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। पानी लगत गल जाई भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजोरे मेरे भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया का। फिर गुटबाजी का शिकार हो गए। दरअसल राजधानी में नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र पर उनका नाम नहीं छपा। बता दें कि इससे पहले भी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के आयोजित पत्र से उनका नाम गायब था। सर, आज की दोबारा शुरुआत हो रही है, काफी तैयारी सरकार ने क्या कुछ है? देखिए, आज बहुत ही खुशी के क्षण है, उत्साह के क्षण है, भावुकता के क्षण है, जब लोग तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार आज सभी तीर्थ यात्रियों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ यात्रियों का सम्मान किया है, उनके चरण छुए हैं और तीर्थ यात्रा पर रवाना किया है। हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है
कि वो अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करे। राजधानी भोपाल में अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि शाह देश के लोकप्रिय गृह मंत्री हैं और हमारे कार्यकर्ता उनका जोरों शोरों से स्वागत करेंगे, जिसे लेकर रणनीति तैयार हो रही है। साथ ही वीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा की बूथ विस्तार योजना एक सफल कार्यक्रम रहा। अभी माननीय अमित शाह जी हमारे इस देश के लोकप्रिय यशस्वी नेता, इस देश के ताकतवर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी सरकारी उनका कार्यक्रम है, बाकी आगामी कार्यक्रमों के बारे में एक बार पूरी चीज़ें आने के बाद ही तय होगा, लेकिन चूंकि वो भोपाल आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में हम सब लोग जुटे हैं। देखो ऐसा है, वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है, अगर उसने माना कि कुछ इस प्रकार का। ब्यावरा के झाड़खेड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आखिरी दिन कथा का वाचन कर भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, वहीं इस मौके पर श्रद्धालु झूम झूम कर नाचते भी दिखाई दिए। नैनपुर के रेलवे म्यूजियम में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही उन्हें रेलवे और विश्व की धरोहर के बारे में जानकारी दी गई। वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब विश्व धरोहर दिवस, हमें अपने भारत में जितने भी धरोहर हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी देना हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए आज बच्चों को बुलाया गया है और ये कंपटीशन कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को धरोहर जितनी भी धरोहर है उसके बारे में हम जानकारी दे सकें। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो इस संदर्भ में हमने विभिन्न स्कूलों से बच्चों को बुलाया है, यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन कराया जा रहा है जिसमें बच्चों को ड्राइंग बनाई जाएगी बच्चों द्वारा और उनको हेरिटेज के बारे में समझाया जाएगा। ये नैरो गेज रेल म्यूजियम है, छोटी लाइन रेल संग्रहालय नैनपुर है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अपना वर्ल्ड हेरिटेज डे है और हमारे इंडियन रेलवे में जो भी है अभी रेलवे बोर्ड से आदेश हुआ है कि हमको ये जो आज के दिवस में सब ये सब कार्यक्रम करना है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं उनको जागरूक करना है, जो ओल्ड धरोहर उसके बारे में जानकारी देना है, इस सब के उद्देश्य के लिए ये सब बच्चों को बुलाया गया है। और यहाँ पे आज के दिन में हम लोग ने एक्टिविटी रखे हैं, जैसे अपना ड्राइंग कंपटीशन है और ड्राइंग कंपटीशन जैसा कि। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।